और भाई कुलदीप यहाँ आज के विनर रहे हैं भाई, सब कैसे काटा आपने? और भाई ये देखिए पतंग की रोड को मोड़ने का तरीका। तो गाइस इस गट्टू के अंदर हमने इस पाइप को लगाया है और समझने की स्टाइल देखिए। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। भाई आज हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे गट्टू है भाई, एक तो है मोनोफिल गोल्ड, एक है मोनोकाइट। आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, मोनोफिल गोल्ड वर्सेस मोनोकाइट करने वाले हैं। हम इन दोनों की काइट फ्लाइंग करके देखेंगे कौन सा मांजा अच्छा रहता है, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कौन सा मांजा ओरिजिनल होता है और कौन सा नोकल होता है और कितने रुपए में हम लेके आए हैं। पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए काइट फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब हमें तो यहाँ पे पतंग उड़ानी स्टार्ट कर दी है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। हेमंत उठा रहे यहाँ पे येलो कलर की ये पतंग। और भाई साहब इस चरखी के अंदर है मोनोकाइट मांजा, ये देखिए उस मांजे को हमने इस चरखी के अंदर रिफिल कर लिया है, भर लिया है इसके अंदर। और भाई साहब वहीं दूसरी तरफ हमारे भाई कुलदीप उठा रहे हैं मोनोफिल गोल्ड है इनके पास। भाई साहब इस गट्टू के अंदर ये देखिए कुछ इस डंडे को इस प्रकार फिट कर दिया, चरखी की तरह बना दिया। और भाई साहब यहाँ पे ये प्रकाश लेके आए इस पतंग को और भाई उड़ाना स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारी पतंगे उड़ रही है लेकिन आगे नहीं उड़ रही क्योंकि आगे भाई कब्रिस्तान है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और हवा भी आज इस तरफ की है लेकिन यार ऊपर हेमंत ने काफी अच्छी खासी डील दे दी है। और भाई आगे कब्रिस्तान में आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए गाइस। और भाई ये देखिए पतंग की रोड को मोड़ने का तरीका, सामने वाले के सिर के ऊपर कुछ इस प्रकार रखी है और मोड़िए। और भाई पीछे पतंगे उड़ रही है लेकिन आगे नहीं उड़ रही है, कारण ये है कि आगे है कब्रिस्तान। भाई ये देखिए गाइस काफी दूर दूर तक कब्रिस्तान है। और भाई साहब वहां पे हेमंत ने काफी अच्छी खासी डील दे दी है और पैसे लेने के लिए हेमंत के पास आ चुके हैं। भाई सबसे पहले आसपास में जो पतंग है उनसे लेंगे पैसे, आखिर में करेंगे मोनोकाइट वर्सेस मोनोफिल गोल्ड से पैसे और आपको दिखाएंगे कौन सा मांजा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आसपास में कोई पतंग है उनसे लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे एक मेन आ चुकी है पैसे लेने के लिए, ये देखिए मोनो काट से। और देखते हैं क्या हेमंत इस पतंग को काट पाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और भाई साहब कुलदीप ने भी अपनी पतंग उठा ली है गाइस, वहाँ पे देखिए इसने भी ठीक ठाक डील दे दिए। तो भाई साहब वहाँ पे पैचे हो चुके हैं हेमंत के पतंग से और आखिर में करेंगे मोनोफिल गोल्ड वर्सेज मोनोकाइट का, देखते हैं कौन सा मांजा अच्छा रहता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है भाई। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हमने पतंग काटी है मोनोकाइट से गाइस। और भाई कुलदीप अभी तक एक पतंग नहीं काटी क्योंकि यार पास में कोई पतंग नहीं है। तो भाई साहब वहाँ पे ये देखिए हेमंत आ चुका है पैसे लेने के लिए। भाई साहब यहाँ पे मोनोकाइट से हमने दूसरी पतंग काट दी है। तो भाई साहब यहाँ पे हेमंत ने दूसरी पतंग काट दी है। तो भाई साहब वहाँ पे एक पतंग और आ चुकी है हेमंत के पास और भाई साहब पैसे होने वाले हैं। और भाई डील चल चुकी है, चलने दे चलने दे। और भाई साहब ये देखिए और रगड़ा लग चुका है बॉय गेटे। और गाइस यहाँ पे हमने तीसरी पतंग काट दी है मोनोकाइट से और भाई साहब अभी तक मोनोकाइट काफी शानदार मांज रहा है लेकिन गाइस मोनोफिल गोल्ड से अभी तक एक ही पैसे नहीं हुए। तो कुलदीप देख रहा है कि कोई पतंग आ जाए और उससे पैसे ले ले। तो भाई साहब अब करते हैं मोनोकाइट वर्सेज मोनोफिल गोल्ड। अब पतंगे आस पास में नहीं है भाई, अब आखिर हमारे भाई ये दो ही है। ये ले रहे हैं पैसे और देखते हैं कौन सा ये देखते हैं कौन सा मांजा अच्छा रहता है और पैसे होने वाली है भाई। और भाई यहाँ पे रगड़ा लग चुका है कुलदीप के भाई। तो गाइस यहाँ पे कुलदीप की पतंग नहीं कटी है और हेमंत की पतंग कट चुकी है और कुलदीप की पतंग वो रही भाई और अटक चुकी है। और भाई ये देखिए साहब यहाँ पे कुलदीप ने काटी है ये पतंग, हेमंत अपनी फर्स्ट पतंग कटा चुका है। और भाई साहब एक नंबर रगड़ा था यहाँ पे, दोनों पतंग नीचे डूब गई लेकिन भाई साहब यहाँ पे पैसे कुछ अजीब गरीब हुए। और भाई साहब अभी तक तो मोनोफिल गोल्ड काफी अच्छा मांजा रहा है, ये देखिए समटने की स्टाइल देखिए भाई। तो इस गट्टू के अंदर हमने इस पाइप को लगाया है और समटने की स्टाइल देखिए। और भाई वो पतंग आगे से फट चुकी है, यहाँ पे हेमंत एक पतंग कटा चुका है लेकिन भाई स्टार्टिंग में इसने तीन पतंगे काटी थी। कोई ना भाई फिर से लाएंगे पैसे और देखते हैं। तो भाई साहब कुलदीप की पतंग आगे से पड़ चुकी है लेकिन भाई एक पतंग आ चुकी है यहाँ पे पैसे लेने के लिए और हेमंत अपनी दूसरी पतंग उड़ा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पतंग से इसने तीन पतंगे काटी थी लेकिन भाई
इसने मोनो फील्ड गोड से बाजी हार चुका है ये मोनोकाइट, लेकिन सेकंड पतंग उड़ा रहा है हेमंत। और कुलदीप के पास आ चुकी है सेकंड पतंग पैसे लेने के लिए, लेकिन फर्स्ट पतंग काटी थी कुलदीप ने मोनोकाइट की, मतलब हेमंत की पतंग काटी थी। और देखते हैं इस पतंग को कुलदीप काट पाता है या नहीं। भाई साहब तो भाई साहब वहाँ पे पैसे चल रहे हैं कुलदीप के, और वहाँ पे पीछे नावल उड़ा रहे हैं उसे ले रहे हैं पैसे, और हेमंत उठाता है उतनी देर तक हम आगे वाली पतंग से लेंगे पैसे। और भाई कुलदीप की रगड़ा लग चुका है यहाँ पे, और भाई साहब यहाँ पे भाई कटे यहाँ पे एक पतंग और काट चुका है कुलदीप, मतलब सेकंड पतंग काट चुका है मोनोफिल गोल्ड से कुलदीप, यहाँ पे दूसरी पतंग काट चुका है भाई। मोनोफिल गोल्ड भी अभी तक काफी अच्छा मान जा रहा है भाई। कैसे काटा आपने? और भाई साहब डील कुछ इस प्रकार से लगी, हम आपको दिखा नहीं पाए लेकिन प्लान आपको अच्छी तरह से कर पाए। फिर से पैसे ले रहे हैं कुलदीप और हेमंत, और भाई यहाँ पे हेमंत ने काटी है कुलदीप की पतंग, और कुलदीप वहां पे पतंग ले रहे हैं हेमंत की, और भाई कुलदीप की कटी है ये पतंग। और अभी तक एक एक से बराबर है, और आखिरी पेज करके देखते हैं अब कौन पतंग काट पाता है, कौन कैसा रगड़ा मारता है। यहाँ पे अभी हेमंत ने रगड़ा मारा, काफी शानदार मारा था यहाँ पे, और भाई साहब यहाँ पे एक एक से बराबर हो चुके हैं। अब आखिरी पेज करके देखते हैं अब की बार कौन पतंग काटता है। तो भाई साहब कुलदीप ने अपनी सेकंड पतंग उड़ा ली है, और आखिरी पेज करके देखते हैं कौन आखिरी पतंग काट पाता है, कुलदीप काट पाता है या हेमंत। तो भाई यहाँ पे थोड़ी ढील देने दो हेमंत, आप पहले पैसे ले रहे हो, और अब की बार कुलदीप रगड़ा मारने की यहाँ पे फिराक में है। देखते हैं अब की बार कुलदीप काट पाता है या नहीं। और भाई साहब यहाँ पे भाई कटे, और भाई साहब यहाँ पे हेमंत की पतंग कट चुकी है, और यहाँ पे ही हाथ आ चुकी है हमारी पतंग नीचे ही। और भाई कुलदीप यहाँ आज के विनर रहे हैं, और आखिरी पतंग कटी है मोनोफिल गोल्ड से। तो दोस्तों आज के विनर रहे हैं मोनोफिल गोल्ड भाई साहब, यहाँ पे ये देखिए काफी शानदार मांझा है। तो दोस्तों ये हम लेके आए हैं 300 रुपए में, इसके अंदर था 650 ग्राम मांझा, और भाई साहब इसका मांझा नहीं ज्यादा मोटा है नहीं ज्यादा पतला है। और भाई साहब यहाँ पे इसकी ओरिजिनल की पहचान होती है, यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गोल्ड कलर में लिखा होता है मोनोफिल गोल्ड, और भाई साहब यहाँ पे बस इतना ही इसकी ओरिजिनल की पहचान होती है। और मांझा तो भाई एक नंबर था यहाँ पे। और भाई साहब यहाँ पे मोनोकाइट की बात करें तो मोनोकाइट भी काफी शानदार था, यहाँ पे इसका ये गट्टू है भाई, ये देखिए गाइस, ये हम लेके आए थे 190 रुपए में, इसके अंदर था यहाँ पे 700 ग्राम मांझा इसके अंदर। इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि मोनोकाइट मांझा ओरिजिनल कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टिक लगाने के लिए जगह दी हुई होगी वो यहाँ पे, ये देखिए गाइस, जो नाको लगा उसमें नहीं दी हुई होगी, स्टिक नहीं लगेगी। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये चिप लगी हुई होती है मोनोकाइट की, आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है। और दोस्तों आज के विनर रहे हैं यहाँ पे मोनोफिल्ड गोल्ड भाई साहब, ये मांझा एक नंबर है, और भाई साहब इससे हमने दो पतंगें काटी थी मोनोकाइट की। तो आज के विनर तो यही रहे हैं मोनोकाइट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। भाई कटे, और भाई हम लेते हैं यहाँ पे पैसे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।